और कुछ बीमारी ऐसी होती है, मैं प्रतिदिन जो भी भक्त हमसे जुड़ते हैं चाहे वो पंडाल में है या आस्था के माध्यम से, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी घटना आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो जिससे आप लोगों को भी अनुमान हो कि हाँ वाकई में गौ माता को भी इतनी बड़ी बीमारी होती है और उनका इलाज भी है, और जिसमें कैंसर मैंने बताया, पॉलिथीन बताया, तो एक और बड़ी समस्या जो गौ माता के साथ होती है, आप सब भी कभी महसूस भी किया होगा, पता भी हुआ होगा या आसपास में हम जानते भी हैं कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चे की डिलीवरी का समय आता है तो उस समय कभी कभी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है कि बच्चा जो है डिलीवर नहीं हो पाता है। महिला बड़ी परेशान होती है, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स भी प्रयास करते हैं और आखिर में जब बिल्कुल ही जटिल समस्या आ जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इस महिला का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हम माँ को और बच्चे को शायद बचा पाए। ऐसी समस्या गायों के साथ भी होती है, क्योंकि गाय भी माँ है, वो भी बच्चे को जन्म देती है, और गाय नहीं, गाय के अलावा जो भी जीव इस पृथ्वी पर है सभी के साथ सब तरीके की बीमारी और समस्या होती है। तो उन गायों का भी ऑपरेशन ही एक इलाज है, और ऑपरेशन जब हम सिजेरियन इस ऑपरेशन को बोलते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये ऑपरेशन है, क्योंकि यदि महिला का ऑपरेशन हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, चलना नहीं है, लेटना है, बैठना है, लेकिन गौ माता तो जीव है, उनको हम समझा नहीं सकते, उनके साथ तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, उनको इन्फेक्शन का काफी खतरा होता है। फिर भी यहाँ गौ सेवा धाम में बात करूं तो मैं सैकड़ों ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं जहां गौ माता के पेट से जो बच्चा है उसको ऑपरेशन के जरिए गाय को भी और माँ को भी बचाया गया। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कभी हम कॉम्प्लिकेशन है कि शायद कभी बच्चा पहले से ही मृत है तो शायद उसको ना बचा पाए, गाय को हम बचा लेते हैं, या कभी कभी माँ ऐसी कंडीशन में होती है बच्चा बच जाता है, ये सब ठाकुर जी के हाथ पर है। हम अपना पूर्ण प्रयास करते हैं, हम ऑपरेशन के द्वारा ऐसी जटिल समस्या जो गौ माता के साथ है उसका हम समाधान कर सके। और अभी की बात करूं तो मैं आज जो लोग आस्था से जुड़े हुए हैं उनको पता है, आज हम एक पप्पी आया था, उसके पैर का हम पिनिंग प्लेटिंग करने वाले थे, लेकिन एक इमरजेंसी ऑपरेशन आया कि एक फीमेल डॉग आई है, उसके पेट में बच्चे फंसे हुए हैं। सेम कंडीशन है जो गौ माता के साथ और नॉर्मली किसी वुमेन के साथ होती है, उसके पेट में भी बच्चे फंसे हुए हैं। एक्सरे हम लोग उसका किया तो एक्सरे में देखा बच्चे तो अभी है, जिंदे भी है, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो डॉग है। ऑपरेशन थिएटर में ये है, हम लोग ये आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ आपको एक नॉर्मल ये एक नॉर्मल कुत्ता दिख रहा होगा, कुतिया है कि भाई हाँ बस एक नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ बड़ी समस्या है, पेट में बच्चे फंसे हुए हैं। अब इसका एक ही समाधान है, सिर्फ इसका ऑपरेशन करके हम माँ बच्चे दोनों को बचा सकते हैं। तो अभी हम ऑपरेशन थिएटर में ये प्रयास कर ही रहे हैं, एक्सरे हमने किया है, एक्सरे के बाद जो हमारी डॉक्टर्स टीम है वो अभी इसके ऑपरेशन की पूरी तैयारी पे है।